मैं सिलीगुड़ी की तमाम काउंसलर, विधायक और हमारे जिला अध्यक्ष की ओर से, सिलीगुड़ी की जनता की ओर से मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हम सबके जो है मंत्री और हरदीप पुरी जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सौगात जो है आज सिलीगुड़ी की जनता को मिली है। हम जानते हैं और पिछले दिनों में भी देखा, सिलीगुड़ी की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है पानी के लिए सालों साल जो है पूरे साल भर तरसती रहती है, और जब वर्षा के समय में इतना अधिक बारिश हो जाता है उसके कारण सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण सिलीगुड़ी एक तालाब में बदल जाता है, और उसके कारण अलग अलग नई नई प्रकार के बीमारियों के कारण हमारे बहुत सारे बच्चे उसके बीमार होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। ये सब हम कई साल से देखते आ रहे हैं, और मैं आभारी हूँ केंद्र सरकार का कि हमारे सब काउंसलर विधायकों की जो इच्छा थी, और बहुत शुरू से ही जैसे 2021 के चुनाव में भी हमने कहा था और कॉरपोरेशन के चुनाव में भी ये हमारा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था, और उसको हम सब लोग पुश करते रहे और केंद्र सरकार की तरफ से उसकी स्वीकृति मिली। 800 करोड़ की योजना में करीब 511 करोड़ रुपये जो है पानी सप्लाई प्रोजेक्ट में खर्च होगा सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन एरिया में, और साथ ही 275 करोड़ रुपये जो है सीवरेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में खर्च होगा। मैं आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि ये जो पैसे हैं वो सिलीगुड़ी की जनता के हैं, और सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन को यह पैसा मिलेगा और स्टेट के थ्रू सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में पैसा आएगा। मैं आपके माध्यम से हम सब के मेयर गौतम दा और तमाम कॉरपोरेशन से जुड़े हुए जो भी अधिकारी उनसे निवेदन करता हूँ कि इस पैसे का सही उपयोग हो, क्योंकि जैसे ही स्वीकृति मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे पास फ़ोन इस बात के आते हैं कि प्रोजेक्ट तो सेंक्शन हो गया, अब ये भ्रष्टाचार होगा, इससे टीएमसी पार्टी फलेगी फूलेगी और आप ही को 2024 में चुनाव लड़ने में तकलीफ होगा क्योंकि ये पैसा आप ही के विरुद्ध में उपयोग में आएगा। यानी यहाँ तक जो है आम जनता की एक धारणा बनी हुई है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर कोई पैसा मैं ले करके आ सकता हूँ, पैसा प्रोजेक्ट सेंक्शन करा सकता हूँ, तो पैसा रोकना मेरे लिए बहुत आसान और बहुत सरल है। मैं चाहूँगा ये जनता के लिए पैसा है, ये उन्हीं का पैसा है जो केंद्र सरकार ने दिया है, इसका सही सही उपयोग होना चाहिए। जो जैसा भ्रष्टाचार अब तक हुआ है इसमें ना हो, मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूँगा। अगर कोई इंजीनियर या कोई भी अधिकारी ये सोचता है कि भ्रष्टाचार करके बच जाएगा, अब वो दिन बहुत पुराने हो गए। किसी तरह का भ्रष्टाचार जो है हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पांचों काउंसलर टोटल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे, और आम जनता से भी निवेदन मैं करता हूं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो कृपया आप हमारे कार्यालय तक पहुंचे, और जो संभव आपके लिए मदद हो सकता है हम अवश्य करेंगे। वंदे भारत ट्रेन में जो पथराव हुआ इसका बहुत बड़ा कारण है घुसपैठी, जिसके लिए पूरा नॉर्थ बंगाल के 8 जिलों त्रस्त हैं। और मैं इसीलिए जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ सीए का लागू होना अति आवश्यक है नॉर्थ बंगाल की दृष्टि से, एनआरसी का लागू होना अति आवश्यक है नॉर्थ बंगाल की दृष्टि से, क्योंकि एनआरसी और सीए हमको बचा सकती है। टीएमसी नॉर्थ बंगाल को खत्म करना चाहती है, और ये जो बांग्लादेश से अन्य देशों से रोहिंग्यास और घुसपैठी नॉर्थ बंगाल में और सिलीगुड़ी में आए दिन इनकी आबादी जो बढ़ रही है, इसके कारण ऐसी असामाजिक जो है इस तरह की घटनाएं घट रही है। क्योंकि आप एक बात समझना होगा, जो भी घुसपैठी है, इन्फिल्ट्रेटर जो आता है भारत देश में, वो यहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए नहीं आता। भारत देश की शांति को भंग करना, पैसा चुराना, इलीगल एक्टिविटी करना, ड्रग सप्लाई करना, गाय की तस्करी करना, लूटमार करना, हत्या करना, मर्डर करना, इन्हीं काम के लिए आता है। ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात, वंदे भारत ट्रेन कोई भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन नहीं है, ये भारत सरकार ने एक तोहफा दिया है नॉर्थ बंगाल की जनता को कलकत्ता से जुड़ने के लिए। इसीलिए इसकी सुरक्षा करना आम नागरिक हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार और प्रशासन लाचार है, लेकिन मैं ये आह्वान करता हूँ कि जनता इसकी सुरक्षा कर सकती है, हमको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता, लेकिन
रेलवे पुलिस की तरफ से जो इसमें एफआईआर हो चुका है और रेलवे पुलिस का मानना है जल्द से जल्द इन सब अपराधों में जो इन्वॉल्व है उनको ढूंढ के बाहर निकालेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। क्या इसकी सुरक्षा और भी बढ़ाई जाएगी? ये रेलवे पुलिस और रेलवे मंत्रालय तय करेगा, एक सांसद का विषय ये नहीं है। लेकिन ये वास्तविकता है कि घुसपैठी के कारण न तो नॉर्थ बंगाल सुरक्षित है न वंदे भारत ट्रेन सुरक्षित है। कहाँ टाइम चले हेर्नुहोस्, आज जुन दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको र विशेष गरेर गोर्खाको अवस्था छ, यस्तो साहसी समाज र जाति, लडाकु जाति, मार्शल जाति, आज तपाईँले हेर्नुहोस् बाटोको लागि पनि आज अनसनमा बस्ने अवस्था, यो अवस्था आज हामीहरूको भइसकिरहेछ। र बेला बेला म आफै पनि सोच्छु यसको दोष किन मैले राज्य र सरकारमाथि थोप्नु, र आज जुन अवस्था दार्जिलिङ तराई डुवर्सको छ, गोर्खाको छ, काहीँ न काहीँ त्यसका लागि जिम्मेदार पास्टमा हामीहरूका जति पनि नेता र लिडरहरू भए उहाँहरू नै जिम्मेदार हुनुहुन्छ। र जहाँसम्म आरबी साईले के भन्नुभयो त्यो मैले हेरेको त छुइनँ, तर निश्चिन्त बस्नुहोस् केन्द्र सरकारले यो विषय माथि अध्ययन र निर्णय लिने प्रक्रियामा अघि बढ्दैछ। र तपाईँले हेर्नुहुँदैछ डेभलपमेन्टका कामदेखि लिएर केही न केही घोषणा हर महिना हर हप्ता हुँदैछन्। अवश्य नै गोर्खा जातिलाई लिएर, दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई लिएर पनि ठुलो घोषणा हुन्छ, र म अहिले समय तोकेर भन्दिनँ, किनभने अब यो यस्तो समय हो, अब यहाँ बोक्सी लाग्ने बेला पनि सुरु भइसक्छ। त्यही भएर समय आउन दिनुहोस्, त्यसको घोषणा गर्छ। र हामीहरूलाई बचाउन, नर्थ बङ्गाल बचाउन, तराई दार्जिलिङ तराई डुवर्स बचाउन भने भारतीय जनता पार्टी र मोदीजी नै। हेर्नुहोस्, त्यसको एग्रिमेन्ट भइसक्यो कन्ट्र्याक्टरसँग, र त्यसको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि कन्ट्र्याक्टरले एनएचएआईले दिइसक्यो, र चाँडै नै अब त्यसको परिकार होपफुली जनवरी एन्डमै त्यो बाटोको काम सुरु भइसक्छ। हमारे पाँच जो है विपक्ष में जो काउंसलर बैठे हैं उनका काम ही यही है कि जो काम जनता के हित में हो रहा है वो उनके हितों की रक्षा करना उनका ये प्रथम पहला कर्तव्य है। ऑलरेडी यही कमिटी है, हमारे विधायक है, जिला अध्यक्ष है, मैं स्वयं हूँ, हम सब जो है जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात थे। मैं फिर कहूँगा किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है आप कृपया काउंसलर है हमारे तक जरूर पहुँचे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक विषय है, अंदरूनी विषय है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ सार्वजनिक चीजों पे पार्टी की विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करना चाहिए, और मैं कभी नहीं करता हूँ।